नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। हम लोग दर्शन शास्त्र पर बातचीत कर रहे हैं और दर्शन शास्त्र में भी भारतीय दर्शन के क्रम में जैन दर्शन पर चर्चा हो रही है। इसके पहले वाले व्याख्यान में हम लोगों ने जैन दर्शन का परिचय प्राप्त किया था और उसके उन मूल सिद्धांत अनेकांतवाद पर चर्चा की थी। अनेकांतवाद जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, जो एक तरह से यह दो अतिवादी मान्यताओं में समन्वय भी करता है। इसका मूल अर्थ होता है या मूल व्याख्या है, संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत धर्म हैं। यही सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। और इसी अनंत वस्तुओं के जब अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण जिसमें पाए जाते हैं उसे ही द्रव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर इस क्रम को हम लोग देखें तो मुख्यतः इसे समन्वय के तौर पर हम इसे दो धाराओं में देख सकते हैं। एक धारा कहती है कि एक ही गुण सत्य है, इसे एकांतवादी मत कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो दूसरी धारा है, जो मानती है एकांतवादी मत में कि परिवर्तनशीलता ही सब कुछ है। दूसरी धारा ये कह रही है कि नहीं, शाश्वतता ही सब कुछ है। अब इन्हीं दो धाराओं में समन्वय करते हैं अनेकांतवादी और कहते हैं कि सत्य वह है जिसमें नित्य और अनित्य दोनों गुण पाए जाते हैं। वो सत्य की परिभाषा इसी आधार पर दे रहे हैं, अनंत धर्मकम वस्तु, संसार में अनंत धर्मकम वस्तु, अर्थात एक वस्तु के अनंत गुण है। और ये अनंत गुण दो तरीके के हैं, कुछ गुण नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं। और यही इनका, जिसमें नित्य और अनंत गुण पाया जाता है, यही इनका सत्य का सिद्धांत कहलाते हैं। और इसके आधार पर, इसी सत्य के आधार पर कहते हैं कि जिसमें नित्य और नित्य गुण पाए जाते हैं वह द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य की परिभाषा में ये तीन चीजों को बता रहे हैं, जिसमें उत्पाद, व्यय, धौव्यम, संयुक्त सत्य। अर्थात द्रव्य किसे कहा गया? उत्पाद जो उत्पन्न हो रहे हो, नष्ट हो रहे हो, और धौव्य मतलब बने हुए हो, उन्हें ही द्रव्य की परिभाषा मानी गई, उन्हें ही सत कहा गया। इसका अर्थ क्या है? सत्ता वो है, अनेकांतवाद ये सिद्ध करता है कि सत्ता वो है जो कि उत्पन्न हो रही हो, नष्ट हो रही हो, बनी भी हुई हो। उत्पाद वह धौव्यम संयुक्त सत के तौर पर वो हमारे सामने आता है। इसके पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने अनेकांतवाद वाले लेक्चर में की थी, वहाँ इस पर विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्यतः द्रव्य के सिद्धांत पर। अब जो जब ये अपने मूल सिद्धांत अनेकांतवाद से समन्वय करते करते द्रव्य को परिभाषित कर रहे हैं, और जैन दर्शन में द्रव्यों की संख्या, यद्यपि ऐसे तो अनंत मानी गई है, अनंत धर्म है, वस्तुओं के अनंत वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी इसे स्पष्ट करने के लिए जैन चिंतक इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, द्रव्य की परिभाषा। और देखिए, परीक्षा में यदि द्रव्य पूछा जा रहा है तो आपको आना यहीं से होगा, अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं। जब भी हम जानेंगे सापेक्षिक रूप से जानेंगे, इसलिए समस्त ज्ञान सापेक्षिक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अनंत गुण है तो इसमें दो तरह के गुण हैं, नित्य गुण है, अनित्य गुण है, ये जिसमें पाए जाते हैं वह द्रव्य है। फिर यहाँ पर आ गए द्रव्य की परिभाषा आ गए। अब इसका अगला चरण आता है, अब हम ये देखेंगे कि द्रव्य के किस तरह के प्रकारों का उन्होंने उल्लेख कर रखा है। द्रव्य का वर्गीकरण, इसी के आधार पे हम लोग जैन दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से द्रव्य का वर्गीकरण दो हिस्सों में उन्होंने किया है। आस्तिकाय
नास्तिकाय, आस्तिकाय का मतलब जो स्थान घेरे, और नास्तिकाय का मतलब है जो स्थान ना घेरे। इसमें उन्होंने काल को रखा है। आस्तिकाय के दो कैटेगरी हो गई, जीव अजीव। जीव में भी दो कैटेगरी है, त्रस और स्थावर। त्रस में जाहिर सी बात है कि स्थावर मतलब एक स्थान पर रहने वाले, और एक स्थान पर रहने वाले जीवों को अलग अलग, जैसे पृथ्वी में जो रह रहे हैं जल अग्नि वायु, इस तरह जो स्थावर है मुख्यतः पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि में जो रह रहे हैं, जो एक जगह स्थिर है, उन्हें भी वो जीव के रूप में उनकी संज्ञा दी गई है, उसे जीव माना गया है। और त्रस में भी अलग अलग कैटेगरी अगर हम लोग देखें तो एक एक इंद्री वाले ये सब जीव हो गए, दो इंद्री, तीन, चार, पाँच। इसकी व्याख्या इंद्रियों के आधार पर की है। तो ये जीव की व्याख्या हो गई। अजीव में इन्होंने चार तत्वों को माना है, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म। इस तरह जैन दर्शन द्रव्यों का वर्गीकरण करते हैं। अगर इधर से देखें, सबसे पहले आस्तिकाय द्रव्य के तौर पर अगर हम विचार करें तो आस्तिकाय द्रव्य में पहला द्रव्य आते हैं जीव। जीव अगर आपने जैनियों में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अहिंसा की बात जैनी करते हैं, मन क्रम वचन से किसी का नुकसान न पहुंचाना, इसलिए जब अहिंसा की बात आएगी तो प्रमुख स्थान जैन दर्शन का आ जाता है। आपने देखा होगा जैन सन्यासी मुंह में पट्टी भी बांधते हैं ताकि कोई भी भूलवश भी कोई कीटाणु अंदर ना चला जाए। रात में भोजन ना करने का मूल आधार भी यही था कि अनजाने में भोजन करते समय कोई जीव हमारे भीतर ना चला जाए। तो जीवों को इतने विस्तार से चर्चा, इतने विस्तार से स्वीकार करना जैन दर्शन की विशेषता रही है। तो जीवों को लेकर इनके इसलिए आप देखेंगे अलग अलग व्याख्या है। त्रस जीवों में उन्होंने सबसे पहले स्थावर, जो एक जगह है जो हिलते नहीं, जैसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ को भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर रहने वाले, जल में रहने वाले, अग्नि और वायु में रहने वाले अलग अलग जो जीव हैं उनको भी वो स्वीकार कर रहे हैं, जैसे फफूंदी भी है या जितने भी कल्पना हो सकती है वो उसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीवों की जो दूसरी कैटेगरी है इंद्रियों को ले गए, दो इंद्री वाले, तीन इंद्री वाले बहुत सारे जीव होते हैं। सांप में हम लोग देखेंगे कि उसमें पांचों इंद्री नहीं होती है, इसी तरह जो मनुष्य है उसमें पांचों इंद्रियां पाई जाती है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिसमें अलग अलग इंद्रियां हैं। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है पहले त्रस और स्थावर, और त्रस में भी इंद्रियों के आधार पर मुख्य बात की है। मुख्यतः जीव संबंधी चिंतन में जब हम लोग विचार करते हैं तो मुख्यतः उसमें आत्मा संबंधी चिंतन आता है। जैसा शुरू में हम लोग इस बात को समझते हैं, समझ रहे हैं कि जैन दर्शन एक नास्तिक संप्रदाय है। नास्तिक संप्रदाय में चरवाक आत्मा को अस्वीकार करते हैं, आत्मा की शाश्वतता को नहीं मानते हैं। बौद्ध भी आत्मा की शाश्वतता को नहीं मानते हैं। आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो शाश्वत होना ही है। इसलिए अगर कोई चिंतन आत्मा की शाश्वतता खंडन कर रहा है तो प्रकरांतर में उसे अनात्वादी कहा जाता है, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मान रहा है। लेकिन चरवाक और बौद्ध से अलग जैन संप्रदाय आत्मा या जिसे वो जीव कह रहे हैं उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं आगे कि अब अगर हम देखें तो मुख्यतः जीव के बारे में जब भी चर्चा होती है तो वह तीन चार प्रश्न हमारे सामने आते हैं। पहला प्रश्न आता है कि जीव का चेतना से क्या संबंध है, जीव का आकार क्या है,
तीसरा, जीव एक है या अनेक है। चौथा, जीव तर्क से सिद्ध या असिद्ध हो सकता है। ये चार बिंदु मुख्यतः हमारे बीच आते हैं, जिसमें माना जाता है कि आत्मा के बारे में चर्चा करते समय इन चार दृष्टिकोणों को देखना होता है। बता दें कि जैन आत्मा को मानते हैं, आत्मा को वो आनंद स्वरूप मानते हैं, चेतन स्वरूप मानते हैं, अनंत वीर, अनंत आनंद, ठीक। तो इस तरह से वो जो अनंत चतुष्टय की जो अवधारणा है उसको जैन दर्शन स्वीकार करता है, इसलिए जैन दर्शन को आत्मावादी दर्शन कहा जाता है। वो आत्मा की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त मानी गई है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आत्मा के चिंतन में जैनियों का चिंतन अन्य से अलग कैसे है। चेतना के बारे में, चेतना और जीव के संबंध में तीन मत मिलते हैं। एक मत मिलता है जीव और चेतना का संबंध आगंतुक है। ये कहते हैं कि जीव और आत्मा या जो चेतना है, इसको आत्मा के संदर्भ में भी आता है, जैनियों में से हम लोग जीव के तौर पर व्याख्यात कर रहे हैं। आत्मा और चेतना का जो संबंध मुख्यतः माना जाता है, आत्मा और चेतना का संबंध क्या है, कुछ लोग कहते हैं आगंतुक संबंध है। आगंतुक का मतलब होता है कि आत्मा होगी तो जरूरी नहीं है कि उसमें चेतना हो। यह सिद्धांत मूलतः न्याय का है। दूसरा आता है कि नहीं, आत्मा बराबर चेतना दोनों एक हैं, ठीक। एक है आगंतुक गुण मानता है और एक मानता है कि नहीं आत्मा जो दोनों एक है, जो ना कुछ भी कहो जुबा से मतलब है एक ही, चाहे आत्मा कहो चाहे चेतना कहो एक जैसा है, इसको शंकर के दर्शन में मिलता है। अब जैसा शुरू में अनेकांतवाद था, अब इसका समन्वय कर रहे हैं जैन दर्शन, और जैन कहते हैं कि नहीं आत्मा और चेतना में अनिवार्य गुण है, अर्थात आत्मा और चेतना है तो अलग अलग, एक मिनट, आत्मा और चेतना है तो अलग अलग लेकिन इनमें संबंध अनिवार्य है। ये इन्होंने बीच का रास्ता निकाला। दो अतिवादी मानता, एक कहते हैं न्याय दर्शन कहता है आत्मा और चेतना संबंध आगंतुक है, ठीक। ये कहते नहीं आगंतुक नहीं है, दोनों एक ही है। ये कहते दोनों अलग अलग है, आत्मा और चेतना अलग अलग है लेकिन इनका संबंध अनिवार्य है। अब दूसरा आता है आकार के बारे में, ठीक। एक आता है आकार कि जिसे कहते अणुरूप, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, अणुरूप है, जिसको कि विशेषकर वैष्णव वेदांत में मिलता है कि वो बताते हैं कि बाल के 100वें हिस्से के 1000वें हिस्से, मतलब जितना अति सूक्ष्म समझ सकते थे उतना वो मान रहे, तो आत्मा अणुरूप है। दूसरा तरफ मानते हैं आत्मा विभू रूप है, अनलिमिटेड है। एक तरफ अत्यंत सूक्ष्म माना गया वैष्णव धर्म, वैष्णव वेदांत में, एक तरफ विभू, शंकराचार्य दर्शन मिलता है अनलिमिटेड, और ये कहते हैं कि नहीं यह शरीर परिमाणी है, शरीर आधारित है, अर्थात आत्मा न तो अनुरूप है न अनलिमिटेड है। जैसा शरीर धारण करती है वैसे ही आत्मा का आकार हो जाता है। तो जैनी आत्मा को न तो अनुरूप मानते हैं न विभू रूप मानते हैं, बल्कि वह शरीर परिणामी के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगला है कि आत्मा एक है कि अनेक। जाहिर सी बात है कि जब ये चिंतन दे रहे हैं तो जिसे शंकराचार्य मानते हैं कि आत्मा एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन जैनी जो है सांग दर्शन की तरह आत्मा को अनेक मानते हैं। सांग दर्शन भी मानता है आत्मा अनेक है, वो पुरुष की संज्ञा देता है। जैन दर्शन भी कहते हैं कि आत्मा अनेक है। तो आत्मा के बारे में ये मानते हैं कि आत्मा अनेक है और शरीरों में अलग अलग, हर शरीर में अलग अलग
आत्मा पाई जाती है, इसलिए उसके जो मोक्ष की अवधारणा भी अलग अलग तरीके से व्याख्यायित होती है। और फाइनली एक बड़ा सवाल आता है भारतीय परंपरा में, क्या आत्मा तर्क से सिद्ध हो सकती है, क्या आत्मा को तर्क से सिद्ध कर सकते हैं? तो दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि आत्मा अतींद्रिय है, आत्मा अनुभव का सीधा विषय नहीं है जिसे हम से इंद्रियों के माध्यम से जान सकें। तो हम सत्ता उसी के सिद्ध कर सकते हैं जो अप्रत्यक्ष अनुमान से शब्द पर किसी तरह से हमारे सामने आ रहा हो, या शब्द के माध्यम से आत्मा को स्वीकार तो कर सकते हैं कि अगर वेद उपनिषद में लिख दिया, कोई ग्रुप कहता है तब हम वेदों में लिखा है इसलिए आत्मा है मान लेते हैं, लेकिन आत्मा को सिद्ध करने के लिए तर्क देना ठीक नहीं है। उसके पीछे ये भी लॉजिक आता है कि जिस प्रकाश से हम पूरी दुनिया को देखते हैं उस प्रकाश से हमको नहीं देख सकते, इसलिए आत्मा को तर्क से सिद्ध करने का की मनाही मिलती है। लेकिन सांग दर्शन आत्मा को तर्क से सिद्ध मानते हैं, उसी तरह जैन दर्शन भी आत्मा को तर्क से सिद्ध करते हैं। बहुत सरल से तर्क जो सामान्य तरीके से समझाते हैं, भाई हम चीजों का अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करता कौन है? क्या आंखें अनुभव करता है? आंखें माध्यम है जिनके माध्यम से ये इंद्रियां किसके लिए काम कर रही हैं? इंद्रियां जिसके लिए काम कर रही हैं वही आत्मा है, वही जीव है। तो इंद्रियां अपने लिए काम नहीं कर रहे, अनुभव अपने लिए नहीं हो रहा, जिसके लिए अनुभव हो रहा है वही मुख्यतः उसका अस्तित्व है, हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। शरीर भौतिक है, अनुरूप है, या पुद्गल स्वरूप है, भौतिक है, इसको चेतन शक्ति ही इसका विकास कर सकती है, इसमें गति का आधार चेतना ही हो सकता है, इस रूप में आत्मा की सिद्धि होती है। यहां तक कहा जाता है आत्मा का खंडन करने से भी आत्मा की सिद्धि होती, जो लोग आत्मा को तर्क से सिद्ध करते हैं, अर्थात मैं नहीं हूं भी सिद्ध करता है कि आत्मा की सत्ता होती है। इस तरह जैन दर्शन आत्मा के विषय में ये चार तरह के मतों का उल्लेख करते हैं, और आत्मा को स्वतः सिद्ध मानते हुए उसके लिए अलग अलग तर्कों का प्रयोग करते हैं। तो ये पहले आत्मा संदर्भ में जीव को हम लोगों ने देखा, जीव के प्रकारों को देखा, जीव त्रस और स्थावर, त्रस में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार और पांच इंद्रिय के जीवों का, स्थावर में जो एक इंद्रिय के होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि में पाए जाते हैं, ये इनके जीव तत्व की व्याख्या थी। अब अगला हिस्सा इनका आता है अजीव। ठीक, आत्मा सिद्धि के बाद फिर हम हिस्से में चेतना हो गया, आत्मा आकार हो गया, आत्मा अनेक है और सिद्ध हेतु तर्क। अब आते हैं अजीव, अजीव का मतलब इसमें चेतना नहीं है, स्थान घेरते हैं। तो पहला पुद्गल, जैसे इसका तात्पर्य यही है पूर्यंतु गलंतु चा, जो पुद्गल जो इनका पहला है पुद्गल, जो पूर्यंतु गलंतु चा, जो बनते रहें बिगड़ते रहें उन्हें पुद्गल कहा गया। जैसे भौतिक तत्व क्या होता है, वो बनता है बिगड़ता है, इसलिए उनको बहुत अच्छा नाम पुद्गल दिया गया है। फिर दूसरा क्या, अब पुद्गल के भी जिसे हम लोग भौतिक पदार्थ कहते हैं इसे ये पुद्गल कह रहे हैं। आपने सुना होगा माटी का पुतला है, तो पुतला पुद्गल मिट्टी, जो निर्जीव तत्व होता है उसे पुतला या मिट्टी कहा जाता है, उसे जैन दर्शन में पुद्गल कहा रहा था, और शाब्दिक है पूर्यंतु गलंतु च, ये हो रहा है। ठीक, अब पुद्गल के भी इन्होंने दो भेद कर दिए हैं। पहला भेद अणु और स्कंद। ठीक, अणु मतलब अत्यंत सूक्ष्म, अणु का जब मिलके बनते हैं तो स्कंद पुद्गल है। तो पुद्गल को इन्होंने दो डिवीजन किया है, अणु किया है और स्कंद के तौर पर किया है, और सभी को वो और अलग अलग जितने भी हम लोग जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या पुद्गलों की, चार तरह के भौतिक तत्व तो ये स्वीकार करते हैं पृथ्वी अग्नि वायु जल, ये चार तत्वों को स्वीकार करें, पांच तत्व से मिलकर सृष्टि बनी रहती है। जैनियों ने पांच में से चार को पुद्गल के अंतर्गत रखा, आकाश को अलग से एक अजीव तत्व माना है, आकाश इन सबको स्थान देता है, ये इनका मौलिक विशेषता है
समानता भारतीय परंपरा में पंच तत्व से मिलकर पूरी सृष्टि बनी है ये माना जाता है। चरवाक भी चार ही तत्वों से मिलकर इस सृष्टि की व्याख्या करते हैं। आकाश को उन्होंने अस्वीकार किया है, लेकिन ये आकाश को अलग से एक तत्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो दूसरा इनका, ये तो पुद्गल था, और दूसरा इनका जो आजीव तत्व है वो आकाश है। आकाश का भी इन्होंने दो तरह से व्याख्या की है। जैसे एक आकाश क्या है, लोकाकाश, ठीक, लोक मतलब जिस जगत में हम लड़ रहे हैं, हम ऊपर देखते हैं नीला आकाश है, रात में वो काला दिखता है, तो ये जो दृष्टि जो मनुष्य की है, लोक की है, इसकी एक कैटेगरी बांटी इन्होंने लोकाकाश। फिर दूसरी कैटेगरी इन्होंने अलोकाकाश की बांध दी, और आकाश क्या है, इन सबको स्थान देता है। इसके बाद इन्होंने दो आजीव तत्व और आते हैं, एक है धर्म। धर्म यहां गति के परिचायक के तौर पे आता है। धर्म का मतलब गति, और अधर्म का मतलब होता है स्थिरता, ठीक। यहां जो धर्म और अधर्म की बात आ रही है, यहां पे धर्म धर्म का मतलब ये नहीं है, पाप और पुण्य का मतलब है। जैन दर्शन में धर्म का मतलब हो गया गति और अधर्म का मतलब स्थिरता। ये दोनों ही चीज जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गति की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, अगर गति रूपी तत्व तो ना हो तो एक कोई भी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता है। गति के तत्व के तौर पर स्वीकार करके जैन दर्शन एक बहुत नवीन दृष्टि भी देते हैं कि बिना भाई धर्म, अगर शाब्दिक धर्म का मतलब गति का परिचायक, सामान्य अगर हम लोग अनौपचारिक रूप में भी देखें तो धर्म का पालन करोगे तो गति होगी, नैतिकता के कारण गति होगी, लेकिन खैर धर्म का वो सेंस नहीं है यहाँ पर। तो धर्म गति का परिचायक है, और बड़े अच्छी उसमें उपमा भी देते हैं। उपमा ये देते हैं कि जैसे एक मछली जल में तैरती है, जल जो सुविधा मछली को प्रदान करता है, उसी तरह संसार में जितने भी जीव हैं उनको गति देने का काम कौन कर रहा है, वो धर्म करता है। और थर्ड में अधर्म, भाई स्थिरता बहुत जरूरी है। जैसे भारतीय परंपरा में हिंदी भाषा में जैसे गाड़ी, जो गाड़ी शब्द है, जो चल जाए वो गाड़ी नहीं है, चलती का नाम गाड़ी नहीं होता है, बल्कि क्या है, जो रुक जाए वो गाड़ी है। इसलिए जो गड़ जाए वो गाड़ी है। अगर चीजें रुके ना तो कोई सी चीज का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। जैसे हमारे लिए कभी कभी मुझे बचपन में लगता था यार ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में क्या दिक्कत है, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर बढ़ा दो। लेकिन भाई ट्रेन की स्पीड आप उतनी ही बढ़ा सकते हो जितना कंट्रोल कर सको, तो अगर ब्रेक नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो गति का संबंध आपके कंट्रोल से होता है, स्थिरता से होता है। इसलिए जैन दर्शन ने स्थिरता शब्द कहा था, अधर्म का कहा, क्योंकि बिना अधर्म के कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। वरना देखिए हर चीज, जैसे हम यहां खड़े होकर बोल रहे हैं, बोल ही नहीं पाए, हो सकता है जब तक हम बोलना शुरू हो कहीं और चले जाए, गति में चलते रहे, कोई भी चीज स्थिर ना हो। जैसा कुछ आप माहौल देखते हैं स्पेसशिप पर, हर चीज स्थिर है। इस तरह वह द्रव्यों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो जैनियों का ये जो द्रव्य का सिद्धांत था, और द्रव्यों के से अधिक व्याख्या करने की वजह से इन्हें बहुत तत्ववादी कहा जाता है, और द्रव्यों के इतने विस्तार से व्याख्या बहुत कम दर्शन में की जाती है। तथापि इनका द्रव्य संबंधित सिद्धांत भी आलोचना का विषय रहा है। जैसे द्रव्य की व्याख्या में मुख्यतः जो मुख्य बात आती है, जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि जो द्रव्य है उसमें आपने गुण, पर्याय, द्रव्य, इन सबको एक कैटेगरी में रख दिया। आप अपनी इसकी व्याख्या में क्या कह रहे हैं, नित्य बराबर अनित्य, यानी ये कैसे संभव है। तो मुख्य आलोचना ये होती है, नित्य गुणों को अनित्य गुणों के बराबर कैसे कहा जाता है, द्रव्य गुण पर्याय आप एक ही स्तर पर कैसे रख सकते हो, क्योंकि नित्य गुणों को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए था बजाय कि अनित्य गुणों को। तो मुख्य आलोचना ये होती है, जो इनके अनेकांतवाद में भी होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इनकी जीव और चेतना का संबंध। इन्होंने कहा कि अगर
आलोचक ये कहते हैं कि अगर चेतना और जीव, एक तरफ आप इसको स्वीकार कर रहे हो और साथ में इसे अनिवार्य भी कह रहे हो, जब आप कहते हो संबंध, संबंध हमेशा दूरी का परिचायक है। आपने देखो जब आप किसी से कहते हैं, कोई कहते ना ये हमारे संबंधी हैं, तो संबंधी का मतलब क्या होता है, अलगाव का, अलग थे जिनको जोड़ा गया है। अगर जैन दर्शन ये कह रहे हैं इनमें अनिवार्य संबंध है, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हो कि चेतना और आत्मा अलग अलग होते हैं, जो कि आलोचना का विषय रहा। फिर एक दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि अगर जिस शरीर में जाती है उसका आकार ग्रहण कर लेती है, मान लो आत्मा चींटी में गई और उसके बाद हाथी में गई, क्योंकि आप आत्मा को शाश्वत मान रहे हो, तो क्या चींटी की आत्मा छोटी आत्मा होगी, हाथी की आत्मा बड़ी होगी? इसका मतलब अगर चींटी की आत्मा छोटी है, अगर कोई आत्मा इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी हो रही है, इसका मतलब इसके बहुत सारे पार्ट जुड़ रहे हैं और अलग हो रहे हैं। छोटे से आप बड़ा हो चाहे बड़े से छोटा हो, अगर दोनों गतिविधि चल रही हो, इसका अर्थ क्या होगा कि वह नश्वर होगा, खंड अलग, नष्ट वही होता है जिसका विभाजन होता है, और जिसका विभाजन हो रहा है ऐसे विभाजित आत्मा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए जैन के आत्मसंबंधी विचार में ये समस्या आती है। तीसरी समस्या आती है तर्क से सिद्ध करना। तर्क से हम उसे सिद्ध कर सकते हैं जो हमारे अनुभव का विषय है, तर्क आंतरिक जगत में, और जो अनुभव का विषय ही नहीं है उसे हम तर्क से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सुश्रुताचार्य जैसे दार्शनिक कहते हैं, जिस ज्ञान की रोशनी से हम दुनिया को देखते हैं उसी से स्वयं को कैसे देख सकते हैं? हम आंखों से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, उसी आंख से हम स्वयं कैसे देख सकते हैं? इसलिए जैनियों द्वारा तर्क से आत्मा को सिद्ध करना आलोचना का विषय रहा। पुद्गल में जगत की व्याख्या भी, इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाती है। जो अणु और स्कंद पुद्गलों को, सबको, गुण को एक स्तर पर रखना, गुणात्मक भेद ना मानना, इनमें आलोचना का विषय रहा है। जितने पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल सब गुणात्मक तत्व रूप से एक हैं, ये कैसे कर सकते, एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग होता है। लेकिन अब इसी समस्या से बचने के लिए वैशेषिक संप्रदाय ने अपने परमाणुओं में विशेष नामक गुण पदार्थ की चर्चा की, जिसकी वजह से एक गुण और दो गुणों में अंतर होता है। अब आकाश को अलग कर देना, चार तत्व आपस में क्यों मिल रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसकी बहुत विस्तृत तार्किक व्याख्या जैन चिंतन में नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं, जैनियों का द्रव्य सिद्धांत एक तरह से भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। यह विस्तार से द्रव्यों की चर्चा ही नहीं करता है, जीवों की इतनी विशद व्याख्या अन्य किसी दर्शन में नहीं मिलती है, जिसमें कि स्थावर जीवों को भी स्वीकार किया गया है और उसे त्रस जीवों को किया है। इस तरह अनेकांतवाद और द्रव्य का सिद्धांत दोनों मिलाकर एक प्रकार से जैनियों की तत्वमीमांसा की सिद्धि करते हैं, तत्वमीमांसा की व्याख्या करते हैं। अब तत्वमीमांसा के बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जैनियों का ज्ञानमीमांसा सिद्धांत। स्यादवाद। धन्यवाद।